गोपीगंज थाना क्षेत्र के सिखापुर गांव में बीती रात चोरों ने एक साड़ी की दुकान में सेंध लगाकर लाखों की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने सुबह थाने में चोरी की तहरीर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के सिखापुर बाजार में सिखापुर गांव निवासी अनिल पांडे की साड़ी की दुकान है। प्रतिदिन की तरह दुकान बंद करके दुकानदार अपने घर चला गया। बीती रात चोरों ने दुकान के पीछे सेंध लगाकर दुकान में रखे साड़ी व अन्य कपड़ा उठा ले गए, जबकि दुकान में 32,000 रुपए रखे नगद भी चोरों ने गल्ला समेत उठा लिया। घटना की जांच। क्या मामला है सर? हमारे कपड़े का दुकान था, इधर में सेंध सामने देखिए सेंध फोड़ दिए और ये महंगी महंगी साड़ी थी जो बाबा सूट था इधर में, और वो स्वेटर लाया भी नए लाए थे स्वेटर, ये सब इनर लाए थे, और ये मेरा गल्ला करीब 30-32 हज़ार का गल्ला था, इधर में गल्ला सहित गायब हो गया सर। तो क्या चाहते हैं आप? चोरी हुई है तो आप क्या मांग करते हैं? सर यही मांग करता हूँ कि जो हो सके हमारा कम से कम 3.5 लाख का माल था सर। जी क्या लगता है कितने की चोरी हुई है? वही 33-32 लाख नगद था सर, और वो साड़ी जो लाया थे साड़ी लाया बाबा सूट लाया था जो महंगा महंगा साड़ी थी वो तो चला गया सर।